करें, क्योंकि परमेश्वर ने आज एक बार फिर हम सभी को नया जीवन दिया, इस जगह पर इकट्ठा किया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। हम उनके वचन की ओर चले और बाइबल से न्यायियों की किताब उसका 16वां अध्याय, न्यायियों की किताब, न्यायाधीश जज, न्यायियों की किताब उसका 16वां अध्याय न्याय की किताब 16वां अध्याय और 4वें पद से लेकर हम पढ़ते उसके 8वें पद तक। इसके बाद वह सोरेक नाम नाले में रहने वाली दलीला नाम एक स्त्री से प्रीति करने लगा। तब फिलिस्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, तू उसको फुसला कर पूछ ले कि उसके महाबल का भेद क्या है और कौन उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हो कि उसे बांध कर दबा रखे, तब हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी देंगे। तब दलीला ने शिमसोन से कहा, मुझे बता दे कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है और किस रीति से कोई तुझे बांध कर दबा रख सके। शिमसोन ने उससे कहा, यदि मैं 7 ऐसी नई नई तांतों से बांधा जाऊँ जो सुखाई न गई हो तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य सा हो जाऊंगा। सब फिलिस्तियों के सरदार दलीला के पास ऐसी नई नई 7 ताते ले गए जो सुखाई न गई थी और उनसे उसने शिमसोन को बांधा। परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि आप सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हालेलुया। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को आज सुनना, पूरे तन मन से सुनना और शैतान को अभी से कह दो कि मैं तुझे ना कहता हूँ, मेरे जीवन के अंदर तुझे आना नहीं है, और पूरा मन लगाकर वचन के अंदर उसको कानों के जरिए हृदय में उतारो ताकि आने वाले दिनों में उस वचन के अनुसार हम चल सके, क्योंकि वचन सुनने वाले नहीं लेकिन मानने वाले आशीषित होते हैं। और हमको आशीषित होना है परमेश्वर की आशीष से, क्योंकि हमारे परमेश्वर वो अपनी आशीष देने वाले महान परमेश्वर है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं और जब हम समाज में जीवन जीते, समाज की बात करता हूँ तो मसीही समाज, मसीह को मानने वाले लोग, मैं उनकी बात करता हूँ, तो वो ध्यान समझना कि हमारे परमेश्वर जो है उनका जो वचन है और साथ में समाज जो है, ये दोनों समझो कि अलग अलग हमको दिखाई देते हैं। परमेश्वर का वचन अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो वचन जो कहना चाहता है वो समाज में दिखता नहीं, और समाज में जो हम दिखते वो हमको वचन में नहीं मिलता। अभी भी देखो जो मार्च महीना, 3रा महीना और अभी जो दिन चल रहे उसको बोलते हैं लेंट के दिन, या तो कुछ लोग उसको बोलते तप ऋतु। तो लेंट के दिन मतलब कि लोगों को मानना ऐसा है, लेंट शब्द का जो मतलब है, जो लोग मानते हैं कि दुख उठाने के दिन, लेकिन लेंट जो शब्द है उसका सही मतलब ऐसा होता है जिसने हमारे लिए दुख सहा है उसके दिन, लेकिन लोग उल्टा समझते और नाम कैसे रख दिया मालूम नहीं। फिर मालूम नहीं पिछले हफ्ते मेरे ख्याल से आया होगा भस्म बुधवार बाइबल में देख लेना, बाइबल में नहीं है, बाइबल में नहीं है। तो कुछ लोग उस दिन से उपवास की शुरुआत करते हैं और उपवास रहेगा ईस्टर के आगे वाले दिन तक, शनिवार तक, और उसके बाद ये उपवास ख़त्म हो जाएंगे। कई लोग होते उपवास ईस्टर के आगे वाले 40 दिन को गिनकर करते हैं,
कि कहाँ पर 40वां दिन होता है वहाँ से शुरू करो, और वो 40 दिन लगातार उपवास करते करने के कारण भी लोगों के अलग अलग से होते हैं। और समझो कि जिस तरह से रमज़ान महीना आता है, जिस तरह से श्रावण महीना आता है, और उसी तरह से समझो कि ये ऋतु भी आती है। और ईस्टर के दिन तक कई लोग तो ऐसे हैं जो अपने आप पर बहुत ही कंट्रोल रखते हैं, यहाँ तक कि नॉनवेज नहीं खाते 40 दिन। 40 दिन तक अगर उनको कोई ऐसी आदत है बीड़ी पीने की, सिगरेट पीने की, शराब पीने की, तो वो भी छोड़ देंगे। लेकिन मालूम नहीं गिनते हैं कि नहीं 40 दिन में कितना छोड़ दिया, और 41वें दिन सब वसूल भी कर देते फिर देखते हैं नहीं चर्च में जाना है, चर्च में भी लगा कर ही जाते। एक बार एक चर्च में मैं गया था, तो वहाँ लगातार 8 दिन की मीटिंग थी, और 8वें दिन ये ईस्टर था, और मीटिंग ख़त्म हो गई। उसके बाद वहाँ के पास्टर ने मुझे बताया कि बोले पहले ईस्टर ऐसी कि यहाँ पर चर्च में कोई शराब पीकर नहीं आया। मेरे पास चर्च में शराब? बोलते हाँ, ईस्टर के दिन कोई छोड़ता नहीं है, कई बार तो बोले यहाँ से उठा कर लेकर जाना पड़ता है उसको घर, इतना पीकर आते। जब बाइबल हम पढ़ते हैं तो बाइबल में ना तो ईस्टर है, बाइबल में ना तो क्रिसमस है, बाइबल में ना तो गुड फ्राइडे है। ये समाज का त्यौहार है, पर्व है, लेकिन हमारे परमेश्वर ने सही में हमको पर्व दिए। अगर पुराना नियम पढ़ो तो पुराने नियम में हमारे परमेश्वर ने हमको पर्व दिए थे, और पुराने नियम पढ़ो तो उसमें परमेश्वर ने हमको 7 पर्व दिए थे, मनाने के लिए, आनंद करने के लिए, खुशी मनाने के लिए। परमेश्वर ने पुराने नियम में 7 पर्व दिए थे। अगर निर्गमन उसका 12 अध्याय और उसका 21वां पद, वहाँ पर सबसे पहला जो पर्व था फसह का पर्व, फसह का पर्व गुजराती में कहते हैं पास्खा पर्व, बहुत ध्यान से समझना, पास्खा पर्व, फसह का पर्व। कई लोग इसको प्रभु भोज के साथ जोड़ देते, और ज़्यादातर तो वो लोग जो सिर्फ यहोवा को मानते, यहोवा विटनेस वाले, बोले प्रभु भोज जो आप लोग लेते हो महीने में एक बार, और हमारे जैसे लोग हर संडे, मंगलवार को भी, कभी भी हम तो ले लेते, तो बोले ऐसे नहीं, वो तो साल में एक बार होना चाहिए, और वो भी पहले महीने की 14 तारीख को, मतलब लोग पतंग उड़ाते उस दिन। तो जब बाइबल से पढ़ाते हैं तो लोगों को लगता भी हाँ सही बात है कि जब यीशु मसीह को बलि होना था तब यही फसह का पर्व चल रहा था, और यीशु मसीह ने फसह का पर्व मनाया था, उन्होंने खाना खाया था। लेकिन फसह के पर्व के अंदर जो मेमना होता था उसको काटकर खाना होता था, उसका जो लहू होता था वो घर के दरवाजे की दोनों साइड और ऊपर की साइड लगाना होता था, और कपड़े पहनकर, जूते पहनकर, एक हाथ में लाठी लेकर उसको जल्दी जल्दी से और कड़वी भाजी के साथ और अखमीरी रोटी के साथ उसको खाना था। ये फसह का पर्व। वो फसह का पर्व चलते चलते प्रभु ने बीच में उठकर प्रभु बोध नया शुरू किया। उन्होंने सिर्फ रोटी ली, फसह का तो खा ही रहे थे, वो सब तो था ही, बीच में उन्होंने रोटी ली और बोले ये मेरी देह है। फसह में जो मेमना खाना था उसमें नहीं बोलते थे कि ये यीशु मसीह की देह है, उसमें नहीं बोलते थे दाखरस, दाखरस होता भी नहीं था वहाँ पर। हाँ, लेकिन इज़राइल देश है तो वहाँ का समझो ये एक ड्रिंक है, तो हो सकता है वो लोग पिया हो, लेकिन शराब नहीं। दाखरस मतलब सिर्फ अंगूर का रस, जिसमें कोई नशा नहीं होता, चाहे 2 ग्लास पी जाओ चाहे 4 ग्लास पी जाओ आपको कुछ नहीं होने वाला। तो दारू की बात नहीं है, शराब की बात नहीं है। तो हो सकता है कि उनका ड्रिंक था, तो हो सकता है उन्होंने लिया, बाइबल में नहीं लिखा, इसलिए मैं भी कहना नहीं चाहता कि ले आइए। लेकिन यीशु मसीह ने जो शुरू किया
वो अलग बात थी। चलो कोई बात नहीं, फिर वही निर्गमन के 12 अध्याय के 17 पद में दूसरा पर्व था, दूसरा पर्व था बिना खमे रोटी का, मतलब गुजराती में बोलते हैं बे खमे रोटली नु पर्व, ये दूसरा पर्व था। उसके बाद लेवी उसका 23वां अध्याय और उसका 10वां पद, उसमें आता था तीसरा पर्व। तीसरा पर्व था पहली उपज का पुला का पर्व, मतलब गुजराती में प्रथम फलनी पुड़ीनु पर्व, पहली उपज का पुला का पर्व, ये तीसरा पर्व। चौथा था लेवी 23 और उसके 16वें पद में वो था 50वें दिन का पर्व, 50वां पर्व। उसके बाद लेवी 23 और 24वें पद में 5वां पर्व था नरसिंगे का पर्व, रणसिंगड़ानु पर्व। उसके बाद उसके 27वें पद में था प्रायश्चित का पर्व, गुजराती में भी प्रायश्चित का पर्व, ये 6वां पर्व। और 7वां पर्व था लेवी 23 के 34वें, उसको हिंदी में बोलते झोंपड़ियों का पर्व और गुजराती में कहते मांडवा पर्व। हालेलुया। ये 7 पर्व परमेश्वर ने पुराने नियम में इज़राइल लोगों को दिया था कि आप इसको मनाना, किस तरह से मनाना, ये सारी बातें उसमें लिखी हुई है। ये पर्व हमारा सब्जेक्ट नहीं है इसलिए हम उसमें नहीं जाते, लेकिन कुछ ज़रूरी बातें थी इसलिए हम उसको क्लियर कर रहे हैं। जो सबसे पहला पर्व था फसह का पर्व, वो यीशु मसीह का बलिदान दर्शाता था। यीशु मसीह जो भविष्य में इस धरती पर आकर जो मरने वाले थे, जो बलिदान देने वाले थे, वो दर्शाता था। इसलिए पौलुस करिंथ को जब पत्र लिखते तब वो उन्होंने लिखा कि हमारा फसह का मेमना तो यीशु मसीह है, जो पुराने नियम में सही में एक मेमने को काटा था, वो सही में भविष्यवाणी थी। ये पर्व जो मनाना था वो भविष्यवाणी थी और वो फसह का पर्व यीशु मसीह के बलिदान से ताल्लुक रखता है। जो दूसरा पर्व था बिना खमे रोटी का पर्व, वो पर्व नए नियम में हमें ये सिखाता है कि मसीह के साथ संगति, यीशु मसीह के साथ हमें संगति में रहना है। जो तीसरा पर्व था पहली उपज के पुला का पर्व, वो तीसरा जो पर्व था वो प्रभु यीशु का जो पुनरुत्थान था उसको दर्शाता है या उससे ताल्लुकात रखता है। जो चौथा पर्व था 50वें का पर्व, 50वें दिन का पर्व, वो पर्व जो था वो समझो मंडली की स्थापना, जिस दिन मंडली बनाई गई वो उसके साथ वो ताल्लुक रखता था। उसके बाद जो पर्व था वो पर्व था नरसिंह का पर्व, 5वां पर्व, और वो पर्व जो है वो मंडली को प्रभु यीशु के लिए तैयार होने का वो पर्व, मतलब उसकी ये भविष्यवाणी उससे ताल्लुक रखता था ये पर्व। 6वां पर्व था प्रायश्चित का पर्व, जब यीशु मसीह अपना सिंहासन लेकर बैठेंगे और तब हम कलीसिया वाले जब उनके सामने खड़े होंगे न्याय पाने के लिए, उसको कहते हैं प्रायश्चित का पर्व, ये उसके साथ ताल्लुक रखता था। और 7वां पर्व झोपड़ियों का पर्व, और वो पर्व ये कहना चाहता था कि हमारे लिए नया यरूशलेम और नई धरती नया आसमान आने वाला है, हमको हमारा घर छोड़ना है और वहाँ पर जाकर हमें रहना है। तो ये सारी बातें देखकर इतना पता चलता है कि 7 पर्व अगर देखने जाए तो परमेश्वर ने मनाने को बोला, लेकिन 7 पर्व देखने जाओ तो 7 भविष्यवाणी थी। हालेलुया। ये 7 जो थी वो बहुत बड़ी भविष्यवाणी थी और आने वाले दिनों में कई लोग ये सीख चुके, लेकिन एक बार मेरी फिर से इच्छा है कि जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बाइबल स्टडी की जाएगी। और एक बार हम लोग बैठेंगे होल नाइट में, और उस दिन हम लोग होल नाइट में हो सकता है हम 7 बजे से बैठे या 8 बजे से बैठे, और पहले हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में थोड़ा सा भी ब्रेक नहीं लेंगे और हम लगातार
प्रार्थना करेंगे। सबकी बारी एक एक बार आएगी और 10 बजे से पहले वो सारी विनती हम ख़त्म कर देंगे और उसके बाद बाकी की जो रात है उसमें सात पर्व के बारे में हम लोग जाएंगे, बाइबल स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या इस सात पर्व से हमें सिखाने के लिए जा रहे हैं, उसको हम देखेंगे। लेकिन इस सात जो पर्व है उसमें जो चौथा पर्व था वो था 50वें दिन का पर्व, 50वें दिन का पर्व। और बहुत ध्यान से आज हम सुनेंगे 50वें दिन के पर्व के बारे में। आज भी हम पर्व के बारे में तो नहीं सीखेंगे लेकिन 50वें दिन है क्या और परमेश्वर आज हमसे कहना क्या चाहते, परमेश्वर हम सिखाना क्या चाहते, उसके प्रति ध्यान रखना कि परमेश्वर आज हमसे बात करना चाहते हैं। और बाइबल से का पद हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम और उसका दूसरा अध्याय और उसका पहला पद। जब पिंतेकोस्त का दिन आया हाँ तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। बाइबल में ऐसा लिखा है जब पिंतेकोस्त का दिन आया, ये हिंदी शब्द नहीं है, गुजराती में स्पष्ट लिखा है जब 50वां दिन आया। पेंटेकोस्ट का मतलब होता है, इब्रानी शब्द है, उसका मतलब होता है कि 50वां दिन। जब 50वां दिन आया और जब 50वां दिन आया तो ये 50वां दिन जो था वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान से गिनना होता था, यीशु मसीह के पुनरुत्थान से। तो यीशु मसीह का जब पुनरुत्थान हुआ उसके बाद जो 50वां दिन आया उस दिन की बात कर रहे प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय और उसका पहला पद कि 50वां दिन वो दिन था कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिलाए गए और उसके बाद 40वें दिन ऊपर चले गए, उसके बाद और 10 दिन चले गए और 50वां दिन आया उस दिन की ये बात हो रही है कि जब 50वां दिन आया। तो 50वां दिन आया तब हुआ क्या वहाँ पर, प्रेरितों के काम में उसके दूसरे अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं तो जब 50वां दिन आया तब हुआ क्या। तो घर पर जाकर प्रेरितों के काम उसका पहला और दूसरा अध्याय बहुत ध्यान से पढ़ना। लेकिन उस वक्त ऐसे ही जो ऊपर वाली मंजिल थी, ऊपर वाली मंजिल के एक कमरे के अंदर उस वक्त तकरीबन 120 लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। ये 120 लोग जो थे जब से यीशु मसीह ऊपर गए थे, स्वर्ग में चले गए थे, तब से लेकर ये लोग लगातार एक मन होकर ये लोग प्रार्थना कर रहे थे, एक मन एक चित्त होकर ये 120 लोग जो थे वो लगातार प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना ये कर रहे थे कि परमेश्वर हमको पवित्र आत्मा चाहिए, परमेश्वर ऊपर से हमको सामर्थ्य चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला था कि जब तक ऊपर से सामर्थ्य ना पाओ, जब तक पवित्र आत्मा ना आए, इस जगह को छोड़कर मत जाना। तो ये लोग लगातार उस वक्त प्रार्थना कर रहे थे 10 दिनों से। अब वो ध्यान से समझना कि जो समझ लो कि इससे डबल वो जगह होगी, ये जो कमरा है उससे डबल होगा, या तो समझ लो 3 गुना होगा। और मैं उस जगह को देख कर आया जहाँ पर पहली बार 50वें दिन ये पवित्र आत्मा को उतारा गया था, ज़्यादा से ज़्यादा ये कमरे से 3 गुना, मुझे वो भी ज़्यादा लगता है, 3 गुना तो नहीं होगा, 2.5 गुना हो सकता है, लेकिन चलो मान भी लो 3 गुना। वहाँ पर 120 लोग इकट्ठा है, वहाँ पर मैंने देखा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि पानी को वहाँ पर बरस सके। 120 लोग अगर इकट्ठा है, हम लोग अभी समझो इतने लोग इकट्ठा है, अचानक से ऐसी कोई घटना हो जाए कि हम लोग 10 दिन तक यहाँ से घर से बाहर ही ना निकल पाए तो क्या होगा, हम पानी कहाँ से लाएंगे। समझो कॉरपोरेशन वाले नहीं देते, हम थोड़े से पुराने ज़माने में, हमको कुएं से पानी लेकर आना होता है, तो हम पानी कहाँ से लाएंगे, बाहर निकल नहीं सकते, क्योंकि उस वक्त यीशु मसीह मर चुके थे, जिंदा हो गए थे, वो सभी को नहीं मालूम था। और यीशु मसीह के जो चेले थे वो डर के मारे कमरा बंद रखकर और उसमें बैठे रहते थे, क्योंकि उनको डर था कि यीशु मसीह को मार दिया गया हमको भी मार देंगे, ये डर की वजह से लोग बाहर नहीं निकल पाते थे। और परिस्थिति भी ऐसी थी कि हो सकता है उनको यहूदी लोग मार दे, और इसलिए ये लोग छुप कर वहाँ पर थे। तो 120 हो सकता है कि पहले दिन उनको पानी मिल चुका हो लेकिन फिर ख़त्म हो गया हो सकता है पहले दिन उन्होंने खाना भी खाया हो बनाकर, फिर हो सकता है घर में जितना था ख़त्म हो गया हो, मुझे नहीं मालूम, पहले दिन ऐसा हुआ होगा, हो सकता है पहले दिन भी ना मिला हो उनको। तो
तो उसके बाद ये लोग करे क्या, बिना खाए बिना पिए फिर इंसान को नींद भी नहीं आती। तो ये लोग लगातार एक ही बात, परमेश्वर ने बोला है यहाँ से नहीं जाना है बाहर, सामर्थ आएगा तभी जा पाओगे, पवित्र आत्मा आएगा तभी जा पाओगे, परमेश्वर भेज दो। अभी देखो एक ही चीज़ है, एक ही ऐसी बात है जो इनको यहाँ से बाहर निकाल सकती है, वो है परमेश्वर का सामर्थ। एक ही बात ऐसी है जो इनको बाहर निकाल सकती है, वो है पवित्र आत्मा। उन किसी को कोई बाहर नहीं निकाल पाता। भूख लगी है, प्यास लगी है, एक मन होकर एक चित होकर प्रार्थना करते, कोई भी बाजू वाले के कान में ये नहीं बोल रहा है मुझे भूख लगी है, सभी लोग एक मन एक चित, कोई इशारा नहीं कुछ भी नहीं, और सभी लोग प्रार्थना कर रहे। और ऐसे प्रार्थना करते करते जब ये 50वां दिन आया, और तभी अचानक से एक बड़ी सी आवाज आई, ऐसे लगा कि जैसे घर जो है हिल गया, सभी लोग डर गए हुआ क्या, लेकिन देखा तो पवित्र आत्मा एक, और जितने 120 लोगों थे उन 120 लोगों के अंदर पवित्र आत्मा आकर समा गए, और 120 के लोग 120 वो सभी लोग पवित्र आत्मा से भर गए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनमें आ गया। और जैसे ही पवित्र आत्मा अंदर आ गए, इन लोगों ने किसी को कुछ नहीं पूछा, सबसे पहले दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलकर 120 लोग बाहर। अब उसमें लेडीज़ कितनी थी मुझे नहीं मालूम, जेंट्स कितने थे नहीं मालूम, लेकिन ये सभी लोग जो थे वो वहाँ से बाहर निकल गए, बाहर निकल गए। ये 50वां दिन बाहर लोगों 50वें दिन का पर्व मना रहे बाहर, जैसे जैसे परमेश्वर उनको बोला था बाइबल में लिखा था 50वें दिन के पर्व को आपको क्या करना है, ये सभी लोग उस पर्व को मना रहे थे। बाहर सब लोग खुशी में थे आनंद में थे, और तभी ये सभी लोग जो है वो बाहर निकल आए, और बाहर निकल आए, और बाहर निकल कर उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। वो ध्यान समझना, उस वक्त सिर्फ पत्रस से प्रचार नहीं किया, उस वक्त पत्रस के साथ जितने भी लोग थे जो जेंट्स होंगे उन सभी ने वहाँ पर प्रचार किया, सभी लोगों ने वहाँ पर प्रचार किया। और प्रचार करने के बाद जो लोग थे वो लोग इनके पास आए, ऐसा नहीं कि सभी लोग पत्रस के पास आए, लेकिन ध्यान से पढ़ोगे तो पता चलेगा कि जिन लोगों ने जिसके पास से प्रचार सुना वहाँ गए और उनको बोला कि भाई साहब आपने प्रचार तो बहुत बढ़िया किया, हमारे हृदय छिद गए, लेकिन अब हम क्या करें। बाइबल में लिखा है तब उन्होंने पत्रस और दूसरे चेलों से पूछा अब हम क्या करें, और फिर उनको वहाँ पर उत्तर दिया गया कि आप लोग ऐसा करो पश्चाताप करो। फिर उनको बताया गया कि आप लोग बपतिस्मा ले लो। फिर उनको बताया गया कि आपके पाप जो है क्षमा हो जाएंगे, और आपको वहाँ पर पवित्र आत्मा मिल जाएंगे। ये सब कुछ 50वें दिन हुआ। उसके बाद क्या हुआ वो ध्यान समझना। उसके बाद ये हुआ कि जिन जिन लोगों ने सवाल पूछे उनमें से 3000 लोग, उन लोगों ने पश्चाताप कर लिया, और पश्चाताप कर कर उन्होंने बोला कि हमको तो बपतिस्मा चाहिए, और उन लोगों ने बपतिस्मा भी ले लिया। वो लोग भी पवित्र आत्मा से वो लोग भर गए, वो भी पवित्र आत्मा से भर गए। अभी वहाँ पर बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम इसका दूसरा अध्याय, और इसका चौथा पद, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वो लोग वहां पर लिखा है कि जिस तरह से आत्मा ने उनको बोलने की शक्ति दी वो लोग वहाँ पर अन्य भाषा जो है वो लोग बोलने लगे। फिर उसका पहला अध्याय और उसका 14वां पद, ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम
और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। आगे। और उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग लगभग थे, ये लोग 120 के करीब इनकी गिनती। यीशु मसीह 40 दिन ऊपर चले गए, तब से 120 लोग एक ही जगह पर एक मन एक चित होकर प्रार्थना की। खाना नहीं है, पीना नहीं है, इसलिए लगातार उपवास। उसके बाद 50वां दिन आया और जैसे चौथे पद हमने पढ़ा, वो सभी लोग, दूसरा अध्याय चौथा पद, वो सभी लोग पवित्र आत्मा से वो लोग भर गए। फिर आगे पढ़ते हैं उसका 5 और 6 पद पढ़ो तो, फिर तो काम दूसरा अध्याय 5 और 6। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। देखो, हर पृथ्वी के सभी जगह में से जाति जाति में से लोग वहाँ पर रहते थे। और जब वह शब्द हुआ हाँ, तो भीड़ लग गई, वहाँ पर भीड़ लग गई और लोग घबरा गए क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था। हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं, कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। हालेलुया। वहाँ पर जो जो भाषा के लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, तो परमेश्वर ने जिसको जो भाषा दी वो वहां पर चला गया। समझो, वहां पर एक गुजराती की टोली है, तो वहां पर परमेश्वर ने अन्य भाषा में गुजराती दे दी, तू यहां जाकर प्रचार कर। वो लोग हैरान, ये तो इब्रानी लोग, इनकी लैंग्वेज इब्रानी है, ये लोग गुजराती कैसे बोलते और भी हमारे समान कैसे बोलते। बाहर जाकर किसी को बोलना मत, वहां गुजराती लोग थे। हाँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो वहाँ पर जो जो लैंग्वेज वाले थे, वो लैंग्वेज वाले को वहाँ के लोग अपनी अपनी भाषा में बोलते हुए उनको सुनाई दिया। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ पत्रस ने प्रचार नहीं किया था, सभी लोगों ने वहाँ पर प्रचार किया। चलो, ये तो ठीक है, लेकिन सभी लोगों ने कैसा प्रचार किया? एक ही प्रचार किया, एक भी शब्द ना इधर ना एक भी शब्द उधर। हालेलुया। और आज कोई नहीं, पास्टर ही बोलेंगे। पवित्र आत्मा सभी को अलग अलग सिखाते हैं। पवित्र आत्मा अलग अलग नहीं सिखाते, पवित्र आत्मा एक ही बात सिखाते। चाहे कहीं पर भी जाओ, किसी भी चर्च में जाओ, अगर पवित्र आत्मा की शिक्षा है, एक ही शिक्षा है, एक ही शिक्षा है। एक शिक्षा नहीं तो समझो वहाँ पर पवित्र आत्मा नहीं। सभी लोगों ने वहाँ पर एक ही बात प्रकट की, सभी लोगों ने एक ही बात बोला कि पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो, ताकि तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे और तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा। सभी लोगों ने एक ही बात वहां पर बताई। और हम पढ़ते उसका 38वां पद, 38 दूसरा अध्याय प्रेरितों के काम। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। हाँ, देखो, हाँ फिर तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हाँ, यहाँ पर जो लिखा है ये सारा कुछ 50वें दिन हो रहा है। 50वें दिन के ऊपर जोर लगाए रखना, ये सब कुछ हो रहा है 50वें दिन। ये सारी घटनाएं 50वें दिन हो रही है। और 50वें दिन ये कहा गया, पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो, ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाए और तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिले। ये सारा प्रचार, ये सारी बातें वहाँ पर 50वें दिन पुकारी गई। और फिर वहाँ पर ऐसा लिखा है, हम पढ़ते उसका 41वां पद। तो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। जिन्होंने वचन ग्रहण किया, हालेलुया, वो जितनों ने इतना माना कि हाँ मुझे पश्चाताप करना चाहिए, मुझे बपतिस्मा लेना चाहिए और मुझे पापों की क्षमा मिल जाए और मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं, जिन लोगों ने ये काम किया, फिर क्या लिखा है गे? और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। 3000 लोग इनमें मिले। हालेलुया। इनमें मिले मतलब किनके साथ? 120 के साथ। हालेलुया। अब इनकी एग्जैक्ट गिनती कितनी हुई? 3120। बहुत ध्यान से समझना, ये लोग किस में मिले? 120 में मिल गए। जिन लोगों ने ये बात मानी ये लोग 120 के साथ मिल गए और इनकी गिनती हो गई 3120। ये थी शुरुआत की
मंडली। वहां पर 120 लोग इकट्ठा नहीं थे, 120 लोग वो सबसे पहले मंडली कही गई, सिर्फ 120 लोग। 3000 बाद में आए, उसी दिन आए, लेकिन हो सकता है घंटे के बाद, हो सकता है 2 घंटे के बाद, हो सकता है 5 घंटे के बाद आए उसी दिन, वो इनमें मिल गए। सिर्फ पहले कितने थे 120, उनके ऊपर ही पवित्र आत्मा उतर आ गया, फिर 3000 लोगों ने बात मानी और 3000 लोग 120 में मिलाए गए। 3000 लोग 120 में मिलाए गए। वहां पर और लोग भी तो थे, हालेलुया, सुनने वाले ज्यादा लोग थे, मानने वाले 3000 थे, तो बाकी के लोगों को नहीं बोला, वो इसमें मिल गए, वो अलग रह गए, है वहीं पर हाजिर, लेकिन 3000 लोग इनमें मिल गए, वहीं पर बैठे, जहां पर बैठे वहीं पर, जहां पर खड़े वहीं पर, लेकिन उन्होंने जो काम किया, बात मानी, इसका मतलब परमेश्वर ने बोला है 120 में ये लोग मिल गए। तो 120 लोग कौन थे और परमेश्वर ने ऐसा क्यों बोला कि ये लोग 120 से मिल गए, उनमें मिल गए? ये 120 सबसे पहली कलीसिया की, ये सबसे पहली मंडली, ये सबसे पहली मंडली 120 वाले की। उसके बाद उसके अंदर 3000 लोग मिलाए गए। अभी मुझे ये बताओ, ये 120 जो कलीसिया थी, पेंटिकोस्टल थी, ये मेथडिस्ट थी, ये सीनाई थी, कौन सी थी? नाम तो कोई नहीं दिया गया, ये कलीसिया कोई अलग, लेकिन ये सही कलीसिया शुरू हुई। अभी वो ध्यान संबंधक, बाइबल में जब मंडली लिखते तो बाइबल में भी मंडली का एक से ज़्यादा मतलब निकलता है। परमेश्वर टोली को भी मंडली बोल देते, पुराने नियम में इज़राइल के लोग जितने भी थे उनको मंडली बोला है, मूसा को बोला, मूसा हाथ में लाठी ले चट्टान के पास जा, मंडली को वहाँ पर इकट्ठा कर, ऐसा बोला, उनको भी मंडली बोला। तो फिर अगर उन्हीं के अंश थे तो इन सभी को मंडली क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला सभी एक ही एक, चाहे कोई विश्वास करे या ना करे, पश्चाताप करे या ना करे, बपतिस्मा ले या ना ले, हम सभी लोग एक ही है, ऐसा क्यों परमेश्वर ने नहीं बोला? क्यों 120 लोगों को अलग कहा गया, अलग निकाला गया? क्यों 3000 लोगों ने माना तो उनको 120 के साथ मिलाया गया? मतलब जो सही बाइबल की, जो नए नियम में जो कलीसिया की बात है, मंडली की बात है, वो अभी शुरू हुई 50वें दिन। तो 50वां दिन जो था, उसका जो पर्व था, वो ये कहना चाहता था, उसको इससे ताल्लुकात थे कि 50वां दिन मतलब मंडली की स्थापना, उस दिन स्थापना हुई। वो ध्यान से समझना, अगर आप किसी ग्रुप में हो या आपका खुद का कोई ग्रुप है, इसका मतलब ये मत समझना ये आपकी मंडली होगी, ऐसा हो भी सकता है आपकी मंडली, लेकिन परमेश्वर की नहीं। परमेश्वर की मंडली में वही लोग हैं जिन्होंने विश्वास किया, पश्चाताप किया, बपतिस्मा लिया, पापों से क्षमा पा ली और पवित्र आत्मा पाए, यही लोग उसमें थे। हम यहाँ पर इकट्ठा हुए तो हम ऐसा बोल सकते एक मंडली है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते परमेश्वर की मंडली है, हमेशा नहीं बोल सकते। परमेश्वर की मंडली में तो वो लोग हैं जिन लोगों ने 3000 की तरह वो काम जो है वो काम को पूरा किया और अभी भी उसमें चल रहे हैं। सिर्फ वो ही मंडली परमेश्वर की है, बाकी कोई भी मंडली परमेश्वर की नहीं। संसार में तो बहुत तरह की कलीसिया है, बहुत मंडली है, और ज़्यादातर उनके काम दो रह चुके हैं, एक तो शादी करवाना और दूसरा दफन करवाना। और इसलिए अगर आप वहाँ पर नहीं जाओगे तो आपको धमकी भी इसी दो बात की दी जाएगी, शादी नहीं करवाएंगे, दफन नहीं करवाएंगे। मालूम नहीं हिंदू लोग शादी करते कि नहीं करते, हो जाते कि उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि नहीं? क्या मुसलमान को दफन नहीं होता है क्या? वो मंडली में चाहे आपका नाम हो या ना हो कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर की मंडली में अगर नाम नहीं है तो समझो नहीं चलेगा। परमेश्वर की कलीसिया में अगर नाम नहीं है तो आपको कोई भी फायदा नहीं, और समझो आप दया के पात्र हो। अगर परमेश्वर की कलीसिया में इंसान का नाम नहीं,
ये कलीसिया, ये मंडली बहुत बहुत और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज समझ लेना कि मंडली का महत्व क्या है हमारे जीवन में, परमेश्वर की मंडली का महत्व क्या है उसको ध्यान से समझ लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि हमें आने वाले दिनों में किस तरह से जीवन जीना है। बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम में उसका 12वां अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय, और कोई पढ़ो तो उसका 3, 4, 5 पद। और जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अखमीरी रोटी के दिन थे, और उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और रखवाली के लिए 4-4 सिपाहियों के 4 पैरों में रखा, इस मनसा से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। सो बंदीगृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। देखो मंडली का महत्व क्या है। जब पतरस अकेले हो गए, पतरस को पकड़वा दिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया, 4-4 सिपाहियों के साथ उनको बेड़ी बांधकर 4 सिपाहियों के बीच में उसको सुलाया गया, एक एक बेड़ी एक एक सिपाही के हाथ में। ऐसी परिस्थिति में पतरस वहां पर सो रहे, लेकिन रात में कलीसिया क्या कर रही है? हालेलुया, क्या कर रही है रात में कलीसिया, क्या कर रही है? मेरे ख्याल से जो होल नाइट में नहीं आ रहे नहीं बोल रहे। रात में कलीसिया क्या कर रही थी? हाँ, जोरों से बोलो, रात में कलीसिया क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया का महत्व देखो, क्या हुआ उनकी प्रार्थना से? अचानक से पतरस तो सो रहे थे, 4 सिपाही लोग भी सो रहे थे। अभी ध्यान समझना, वहां पर अचानक से स्वर्गदूत आए। जैसे स्वर्गदूत आए, बाइबल में लिखा है वहां प्रकाश प्रकाश हो गया। कई बार क्या होता है लोग कि इंसान को जगाने के लिए खिड़की खोल देते, घर में घर अंदर खिड़की खोल दो और बंद करो, प्रकाश आता है, आँख अपने आप खुल जाती। इतना प्रकाश आया, स्वर्गदूत का प्रकाश आया, परमेश्वर का प्रकाश आया, सभी लोग सोते रहे। और जो बेड़ी थी वो ऐसे नहीं धीरे से निकल कर ऐसे गिर पड़ी, जोरों से गिर पड़ी। चारों सिपाही लोग अभी भी सो रहे, पतरस अकेला जाग गया, लेकिन पतरस को भी पता नहीं। पतरस के साथ मैं तो सपना देख रहा हूँ, मैं तो दर्शन देख रहा हूँ। और स्वर्ग उसको पकड़ कर लेकर गए, और जब वो लोग शहर के अंदर आ गए, दरवाजे के पास आ गए, तब स्वर्ग अचानक से गायब हो गए। तब पतरस अचानक से बाहर होश में आ गया, क्या मैं सही में बाहर आ गया? ये कलीसिया के लिए ऐसा हुआ। कलीसिया थी तो पतरस बाहर आ गए। हमको कलीसिया की बहुत जरूरत है। आप कहीं भी अकेले जाओ, प्रार्थना में जाओ, सुसमाचार देने के लिए जाओ, कहीं पर जाओ, जॉब पर जाओ, बिजनेस पर जाओ, कहीं पर भी जाओ, क्योंकि जाना तो पड़ेगा। हमको टोली में घूमना तो है नहीं, हमारा कारोबार तो करना ही है। लेकिन अगर आपके पीछे कलीसिया नहीं है, आपके पीछे कलीसिया नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। कलीसिया की प्रार्थना जो है, ओ कलीसिया की प्रार्थना हमको वहाँ पर चाहिए। फिर आगे लिखा है प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय और उसका 1, 2, 3 पद। अंताकिया की कलीसिया में कितने भविष्यवक्ता, अंतिकिया की कलीसिया में कितने भविष्यवक्ता थे और उपदेशक थे, अर्थात बरनबास और शमोन जो निगर कहलाता है, और लुकियस कुरेनी, और देश की चौथाई के राजा हेरोदेस का दूत भाई मनाहेम और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। हालेलुया। मंडली थी, मंडली में प्रार्थना हो रही थी, मंडली में लोग इकट्ठा थे, उपदेश करने वाले भविष्यवक्ता लोग वहां पर थे। वो लोग तो अपना प्रार्थना कर रहे थे। उन लोगों ने बरनबास के लिए प्रार्थना नहीं की, उन लोगों ने पौलुस के लिए कोई खास प्रार्थना नहीं की, लेकिन मंडली थी, मंडली में लोग थे। और तभी पवित्र आत्मा का भेद वहां पर खुल गया, मंडली में खुला, अकेले में नहीं खुलेगा। मंडली में खुला भेद, लक्ष्य दिया गया, पौलुस और बरनबास बाहर निकलो।
जिस काम से मैंने इनको चुना है इनको बाहर निकालो। क्यों आज विजन नहीं है कि मंडली नहीं है कि जहां पर मंडली वहां पर विजन। आपका लक्ष्य होगा, आपको पता होगा मुझे क्या काम करना है, कौन सा काम करना है, क्यों करना है, परमेश्वर ने किस कारण से चुना है, आपको पता होगा अगर आप परमेश्वर की मंडली में जुड़े होंगे तो। परमेश्वर की मंडली में बैठते होंगे तो परमेश्वर ये भेद जो है वो भेद खोलते। और मंडली में थे पौलुस, बरनबास मंडली में थे, तब ये भेद खोला गया कि इनको ये दर्शन है, मैं इनको ये काम के लिए यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ। और फिर बाइबल में लिखा है, और आगे पढ़ते हम इफिस की किताब, इफिस की पत्री उसका 4वां अध्याय, उसका 11 और 12 पद। और उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके, उसने मतलब परमेश्वर ने कितनों को प्रेरित नियुक्त किया है, और कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कितनों को भविष्यवक्ता, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कितनों को सुसमाचार प्रकट करने वाले लोग, और कितनों को रखवाले, कितनों को रखवाले मतलब पास्टर नियुक्त करके दे दिया, और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। उसने मतलब परमेश्वर ने, देखो यहाँ पर 5 शब्द है 5। सबसे पहला है प्रेरित, दूसरा है भविष्यवक्ता, तीसरा है सुसमाचार प्रकट करने वाला, चौथा है पास्टर, और चौथा है टीचर उपदेशक। 5 लोग, ये 5 लोगों को परमेश्वर ने अपनी कलीसिया में नियुक्त किया है। 5 लोग है, ये 5 अलग अलग नाम और उनके काम एक है ऐसा नहीं है। ये 5ों का काम भी अलग है और 5ों के इसलिए नाम भी अलग है। जो प्रेरित है वो भविष्यवक्ता नहीं है, जो भविष्यवक्ता है वो सुसमाचार प्रकट करने वाला नहीं है, जो सुसमाचार प्रकट करता है वो पास्टर नहीं है, जो पास्टर है वो टीचर नहीं है। ये 5 अलग अलग से परमेश्वर ने 5ों को दिया। कहाँ दिया? मंडली में दिया। चलो मंडली में दिया, लेकिन क्यों दिया? पढ़ो तो उसका 12वां पद, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। ये 5 लोगों को परमेश्वर ने मंडली में इसलिए दिया है ताकि क्या करे? पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। हालेलुया। पवित्र और सिद्ध दोनों में बहुत अंतर। हम तो ऐसा समझते पवित्र वही सिद्ध, लेकिन पवित्र और सिद्ध में कितना अंतर। पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, पवित्र उसको कहते हैं जिन्होंने पश्चाताप किया, बपतिस्मा लिया, पानी से बाहर निकले, और वो तो पवित्र हो गए क्योंकि सारे उनके पाप मिटाए गए। लेकिन फिर सही से नहीं चले, मंडली के साथ नहीं रहे, बाइबल पढ़ना नहीं शुरू किया, बाइबल पढ़ा नहीं, संगति में रहे नहीं, प्रभु बोझ लिया नहीं, तो कहाँ परमेश्वर के राज के लिए सिद्ध हो जाएंगे? सिद्ध होने का मतलब है कि परमेश्वर के राज के लिए जो तैयार हो चुका है, और उसको तैयार करने के लिए पवित्र लोगों को जिससे बपतिस्मा ले लिया उसको सिद्ध करने के लिए परमेश्वर ने ये 5 लोगों को दिया है। कहाँ पर? अपनी मंडली में। हालेलुया। अगर मंडली में नहीं तो 5 लोग आपके साथ नहीं, ये 5 लोग आपके साथ नहीं तो सिद्ध नहीं हो सकते। दूसरी बात क्या लिखे? और सेवा का काम किया जाए, और सेवा का काम किया जाए। अगर ये 5 लोगों की सेवा आपके पास नहीं, आप सेवा नहीं कर सकते। किसी के घर जाना, वहाँ पर 10 मिनट बैठना, चाय पीना, ठंडा पीना, उनकी विनती को जानना, प्रार्थना करना और वहाँ से खुश होकर बाहर निकलना, ये समझ लेना सेवा नहीं है। इसको सेवा नहीं कहते, सेवा कुछ अलग से। सेवा किसको बोलते? कोई बहुत बीमार, उसको सर बहुत दर्द कराए, आप जाकर उसको बोलते हैं फलाना डॉक्टर ने बहुत अच्छा है, उसके वहाँ से दवाई जो है ना बहुत अच्छी है। हमारे पड़ोस में किसी को बहुत ऐसे ही सर दर्द हो रहा था, वो लोग वहाँ पर गए और उन्होंने दवाई ली और उनको बहुत अच्छा हो गया। लेकिन आप उसके लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे, थी कौन सी सेवा? अगर आप उसका सर दर्द खत्म नहीं करते तो सेवा नहीं है। हो सकता है आपको हाथों से उसका सर दबाना पड़े। मैंने सांसारिक दृष्टांत दिया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि
लेकिन जिस इंसान को जिस बात की जरूरत हो अगर आप उसको पूरी नहीं करते तो याकूब कहते हैं कि अगर तू विश्वास करता है लेकिन तेरे साथ करनी नहीं है, तू ऐसे ही बोल देता है जा तुम लोग तृप्त तो हो जाओ लेकिन खाने के लिए तो कुछ देते नहीं, तो बोलते कौन सा विश्वास। तो परमेश्वर के सेवा का काम, सेवा का काम वो है जो मूसा ने किया, फिरौन की मतलब शैतान की गुलामी से बाहर निकालना और वचन के देश में ले जाकर रख देना, इसको बोलते हैं सेवा। आत्मा जीतना, उसको वहां से स्वर्ग तक पहुंचाना, इसको कहते हैं सेवा। ऐसे तो बहुत लोग होते चुरा लेकर निकल जाते, अन्य जाति में भी ऐसा होता है, वहाँ पर जाते हैं उनको कुछ खाना मिल जाता है, उनको कुछ पैसे मिल जाता है, घर का गुजारा चल जाता है। परमेश्वर ने बोला ये काम करो और अपना घर का गुजारा करो, लेकिन घर के गुजारे के लिए ये काम करो ये नहीं बोला, ये करो तो हो जाएगा लेकिन वो करने के लिए ये करो ऐसा परमेश्वर ने नहीं बोला। परमेश्वर की बहुत आशीष है मेरे ऊपर, मेरा घर बहुत अच्छे से चल जाता है। अरे कुछ नहीं है, जाओगे तो घर तो घर का खर्चा तो हो जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। सेवा की बात, सेवा के लिए परमेश्वर ने कितने लोग दिए, पांच लोग। पांच लोगों की सेवकाई के साथ आपको आगे बढ़ना है, उनको साथ लेकर चलना है तब आप सेवा कर पाओगे वरना नहीं कर पाओगे। और भी एक बात लिखिए क्या है तीसरी, और मसीह की दे मतलब मंडली उन्नति पाए, हम लोग उन्नति पाए। उसके लिए हमारे परमेश्वर ने ये पांच लोग कहाँ पर दिए, मंडली में दिए हुए। अगर मंडली में नहीं आप सिद्ध नहीं हो सकते, आप सेवा नहीं कर सकते और आपकी उन्नति नहीं हो सकती। बहुत ध्यान समझ लेना, आज परमेश्वर हमें 50वें दिन के बारे में बहुत स्पष्ट बता रहे हैं। और पहले कुरिन्थियों में लिखा है उसका 12वां अध्याय और उसका 28वां पद, और परमेश्वर ने कलीसिया में, देखो फिर एक बार कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रधान और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने इतने लोगों को कलीसिया में नियुक्त कर कर रखा है। देखो एक कलीसिया की बात है, कलीसिया में परमेश्वर ने इनको नियुक्त कर कर रखा है। ऐसा लिखा है कि पहली जो लाइन है उसमें प्रेरित लोग बैठते हैं, उसके बाद की जो लाइन है उसके अंदर भविष्यवक्ता बैठते हैं, उसके बाद के बाद के बाद ऐसे बैठते जाते हैं। इसका मतलब जो कलीसिया से जुड़ा हुआ है वो इन सभी से जुड़ा हुआ है, जो कलीसिया में नहीं है उसके साथ ये लोग भी नहीं है। कलीसिया में ये सभी लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, सभी के साथ ये सभी लोग जो है वो जुड़े हुए। अगर कलीसिया में है तो फिर प्रेरितों के काम में लिखा है उसका 5वां अध्याय और उसका 11वां पद, और सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। सारी कलीसिया पर बड़ा भय छा गया। ये भय का मतलब वो नहीं है कि सब लोग डर गए और इधर उधर भागने लगे, परमेश्वर का भय। हमारे परमेश्वर कितने सर्वशक्तिमान है, कितने बलवान है, वो कैसे लोगों को सजा करते हैं मुझे मालूम है, क्या जब निंदा करते हैं कोई डरता नहीं है, क्यों परमेश्वर का भय नहीं है उसमें, झूठ बोलने से डर नहीं क्योंकि परमेश्वर का भय नहीं उसमें। जहाँ कलीसिया होती है, जहाँ मंडली में लोग होते हैं, मंडली में परमेश्वर का भय उनमें बना रहता है, भय में लोग आगे बढ़ते। और ऐसा 11:2 में लिखा है यहोवा की भय का आत्मा, डर का आत्मा, ये परमेश्वर का आत्मा है। हमें परमेश्वर का भय लगता है। कई लोग बोलते हैं परमेश्वर से क्या डरना, वो तो हमारे पिता है, क्या आप अपने पिता से डरते हो। कई लोग ऐसा सिखाते हैं, अगर पिता ने जो कहा बेटे ने नहीं माना फिर कैसा डरता है, फिर मम्मी की साड़ी के पीछे छुप जाता है, मम्मी बचा लो ना, यहाँ तो है नहीं ऐसा।
काम करोगे तो नहीं डर लगेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आज्ञा तोड़ने से डर लगता है। नहीं, मेरा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कलीसिया के अंदर ऐसा होता है मंडली। कलीसिया बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और एफिसी में लिखा है, एफिसी उसका 5वां अध्याय और कोई पढ़ो तो उसका 22 और 23 पद। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ही लिखा ना, कोई लेडीज भी पढ़ो ना, चाहे गुजराती में पढ़ लो, कोई लेडीज पढ़ो शादीशुदा। क्या लिखा है? हालेलुया। पत्नी अपने पति की अधीनता में रहो, पत्नी अपने पति की अधीनता में रहो। और आगे पढ़ते जाओ, क्योंकि पति पत्नी का सिर है। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। जैसे मसीह कलीसिया का सिर है, जिस तरह से पति पत्नी का सिर है, उसी तरह से यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। सिर का मतलब होता है सबसे ऊंचे वाली बात नहीं, सिर का मतलब होता है कि सिर के अंदर रहा हुआ दिमाग, जिससे पूरा सारा शरीर हमारा चलता है। ये मगज जो होता है, हमारा दिमाग जो होता है, वो वहाँ से जो आज्ञा देता है उसके अनुसार हमारे हाथ पैर चलते हैं। अगर ऊपरी मंजिल खाली तो शरीर कहीं पर भी जा सकता है। तो उसके अंदर जो है, उस खोपड़ी के अंदर जो है, जो दिमाग है, वो कलीसिया का दिमाग यीशु मसीह है। जिस तरह से पत्नी का दिमाग एक पुरुष उसका पति है। फिर आगे क्या लिखा है? और आप ही देह का उद्धार करता है। और प्रभु यीशु इस कलीसिया के उद्धार करता है, मतलब उसका उद्धार करने वाले, मंडली का उद्धार करने वाला अगर कोई है तो यीशु मसीह। और आगे पढ़ो, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, जिस तरह से कलीसिया मसीह के अधीनता में है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने 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 पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हाँ, क्या लिखा है? पति के लिए अपनी पत्नी को क्या करो, पत्नी को क्या करो, प्रेम करो। अरे बाइबल में लिखा है, डरते क्यों? पत्नी को क्या करो? हाँ, खुद की पत्नी उसको प्रेम करो। बाइबल में लिखा है, पतियों अपनी पत्नी को क्या करो, प्रेम करो। जिस तरह से मसीह अपनी कलीसिया से प्रेम करते, वो ध्यान समझना। यहाँ पर पौलुस दो बातें लगातार एक लेवल में चला रहे, एक और पति पत्नी, एक और कलीसिया और प्रभु यीशु, ये दोनों को साथ साथ में लेकर चल रहे। जिस तरह से पति और पत्नी, उस तरह से कलीसिया और प्रभु यीशु दोनों को साथ में लेकर चलते। पुरुष को बोलते, पति को बोलते, तू अपनी पत्नी को क्या कर, प्रेम कर। हालेलुया। ज्यादातर पति और यहां पर आने वाले पति, एक भी पति ऐसा नहीं है जो अपनी पत्नी से प्रेम करता हो। मेरा दावा है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर आप अपनी पत्नी से प्रेम करते होते तो जिस तरह से आप मंडली में, आप परमेश्वर के वचन सुनने में, प्रार्थना करने में जाते हो, पत्नी को लेकर ही आते। मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ, तू नरक में जाएगी, मैं नहीं जाने दूंगा तुझे, मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूँ, यहाँ पर साथ में, वहाँ पर भी साथ में, छोड़ो उसको मरने दे, मैं जाता हूँ वहाँ पर। ये प्रेम नहीं है, ये प्रेम नहीं है। अगर पति प्रेम करता है, पत्नी को साथ रखेगा। इस मामले में, परमेश्वर के मामले में, उसको साथ रखेगा। हाँ, अगर आप सेवा में हो, आपको कहीं पर कोई प्रार्थना के लिए बुला रहा है और तब आप अकेले जा रहे हो, पत्नी को पूछकर कि मैं जाऊँ अकेले या आना चाहती है,
इतने में घर का काम है, मैं घर का काम संभालू कि आप जाओ, फिर ठीक है। वरना जो आप आत्मा में बढ़ने के लिए कर रहे हो और अपनी पत्नी को छोड़ देते हो, ये प्रेम नहीं है। अपनी पत्नी से परमेश्वर कहते हैं प्रेम करो। फिर आगे क्या लिखा है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। प्रभु यीशु अपने कलीसिया को पवित्र बनाए और उसे एक 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 ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक न जूरी न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। प्रभु यीशु अपने कलीसिया को कैसे बनाना चाहते जिसमें ना कोई जरूरी, जरूरी का मतलब मालूम है, ये जो ऐसा हो जाता है जरूरी, हाँ पूरा चेहरा एकदम साफ, जिसको देखकर ऐसा लगे क्या बात है, क्या पत्नी है इसकी, ऐसे साफ, उसको सुंदर, उसको पवित्र बनाकर बोलने में उसको आनंद आए, अरे कौन, अरे मेरी पत्नी है, क्या बात करते हो, अरे इतनी सुंदर, हाँ मेरी पत्नी है। पति अपनी पत्नी को ऐसे संवारता है कि कल लेकर मत चले जाना बाजार में खरीदी करने के लिए, पवित्र आत्मा के फलों से और वरदानों से उसको संवार कर देना। हालेलुया, हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु अपने कलीसिया को इस तरह से तैयार करते हैं। और आगे क्या लिखा है, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पति से अपनी देह के समान प्रेम रखे और जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। मसीह भी कलीसिया का क्या करते है, पालन पोषण। ये खाने पीने बात की बात नहीं, वचन की बात है, आत्मा की बात है, वरदानों की बात है, फलों की बात है। परमेश्वर प्रभु यीशु अपनी कलीसिया को उससे बरते हैं। फिर इसलिए कि हम उसकी देह के अंग है, इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, यह भेद तो बड़ा, अभी बहुत ध्यान समझो क्या बोल रहे, ये भेद तो बहुत बड़ा है। हाँ, मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ, पर मैं तो मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ, मैं पति और पत्नी की बात नहीं कर रहा। देखो पौलुस इतनी सारी बातें बताकर फिर बोलते हैं मैं ये तो भेद की बात है, ना तो मैं पति की बात कर रहा हूँ ना तो मैं पत्नी की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो यीशु मसीह और कलीसिया की बात, मतलब यीशु मसीह दुल्हा और कलीसिया दुल्हन। अब ये समझ समझ छूट गए हम लोग, आगे पढ़ लो क्या लिखा है। पर तुम में से हर एक अपनी अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे। हाँ ये है तो सही, करना तो है। हालेलुया, हालेलुया। ये मत समझना कि अभी परमेश्वर ने छुट्टी दे दी, लेकिन ये बातें बताकर, पति और पत्नी की बातें बताकर पौलुस जो है हमें ये सिखा रहे कलीसिया और प्रभु यीशु के बीच का जो रिश्ता है, पति और पत्नी एक देह होंगे, एक देह, एक देह का मतलब एक शरीर। मैं और मेरे सामने अगर कोई है तो उसके बीच में कोई आ सकता है, लेकिन मैं और मैं तो उसके बीच में कोई नहीं आ सकता। समझ में आ रहा है, अगर मैं एक देह हूँ तो मेरे बीच में कोई आ ही नहीं सकता, क्योंकि बीच वाली बात ही नहीं है। मैं अकेला हूँ तो उसके अंदर कौन आ सकता है, वहाँ पर किसी को भी एंट्री नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यीशु मसीह और कलीसिया दुनिया में सबसे ज्यादा करीबी रिश्ता, कलीसिया मंडली और यीशु मसीह सबसे एक करीबी रिश्ता है, एक दुल्हा और दुल्हन के समान ये सबसे करीबी रिश्ता है। आज कई लोग जो है वो इस कलीसिया को इतना महत्वपूर्ण नहीं मान रहे, कई लोग जो है वो कलीसिया को ऐसा नहीं समझ रहे कि नहीं कलीसिया मतलब बहुत बड़ी बात है। कई लोग ऐसा बोलते हैं अरे घर में प्रार्थना करेंगे तो नहीं चलेगा, क्या परमेश्वर घर में प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर नहीं सुनेंगे, सुनेंगे ना, क्यों नहीं सुनेंगे। लेकिन जब कलीसिया इकट्ठी हो रही तब तो तू वहाँ पर जा, तब तो वहाँ पर जाकर प्रार्थना कर। दिल्ली से एक बहन ने मैंने जैसे पहले बताया, वो बहन ने मुझे बोला कि मुझे होल नाइट में मुझे शामिल होना है। देखो कहाँ कहाँ से लोग शामिल होने की बात कर रहे, और परमेश्वर आने वाले दिनों में सब कुछ करेंगे। क्या घर में प्रार्थना करेंगे परमेश्वर नहीं सुनेंगे,
हाँ अगर कलीसिया कहीं पर इकट्ठा हुई है और आप घर में प्रार्थना करोगे नहीं सुनी देगी आपकी प्रार्थना। वहाँ पर कलीसिया में जाना है, कलीसिया बहुत ही बड़ी बात है। क्या मैं बाइबल घर में पढ़ूँ और परमेश्वर नहीं सिखाएंगे? एक भाई साहब ने मुझे बताया, बोले परमेश्वर आपको इतने भेद देते हैं और मैं भी इतना परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता हूँ, मुझे भेद क्यों नहीं मिलता? मैंने बोला आपको कभी भी भेद नहीं मिला? बोले नहीं, एक दो बार तो मिला है। मेरा भैया आपने उसको किया है? बोले मैं क्या करता? मैंने बोला मुझे परमेश्वर घर में ही भेद देते, लेकिन मुझे फिर परमेश्वर के लोगों के बीच में जाकर बताना होता है। अगर मैं बताऊँ ना तो परमेश्वर मुझे घर में दे क्यों? परमेश्वर किसके लिए दे रहे हैं? अपने कलीसिया के लिए घर में भेद दे रहे हैं। अब यहाँ पर आकर मैं बोलूँ परमेश्वर भेद की बात करो, तो यहाँ तो कलीसिया बैठ चुकी है, तो वहाँ तो शुरू ही कर रहे हैं। तो परमेश्वर घर में ही देते, लेकिन मंडली में बताने के लिए दे रहे। जो बाहर नहीं निकलता, जो बताता नहीं, जो कलीसिया में नहीं जाता, तो परमेश्वर उसको अपना भेद जो है वो भेद क्यों बताए? तब परमेश्वर ऐसे के साथ वो भेद वाली जो बात है वो भेद वाली बात नहीं करते। कई लोग मंडली के साथ रिश्ता रखना नहीं चाहते, वो अपनी पार्टी अलग से बनाते हैं और उनको अपने साथ रिश्ता रखना है। लेकिन परमेश्वर की जो कलीसिया है उसके साथ अगर आपका रिश्ता नहीं, जिसका रिश्ता परमेश्वर की कलीसिया से नहीं, जितने जितने लोग परमेश्वर की कलीसिया से रिश्ता छोड़कर बैठे, अगर आप चाहो तो मैं ऐसे लोगों का नाम एड्रेस बता सकता हूँ और जा जाकर उनकी हालत को देख कर आना कि जिन लोगों ने परमेश्वर की कलीसिया को छोड़ा है उनकी हालत कैसे हो चुकी। स्वर्ग में जाने के लिए हमें विश्वास होना चाहिए, पश्चाताप होना चाहिए, बपतिस्मा होना चाहिए, पापों की क्षमा मिलनी चाहिए, पवित्र आत्मा मिलनी चाहिए, हमें लक्ष्य मिलना चाहिए, हमारा काम होना चाहिए, हमारी सतावट भी होनी चाहिए। लेकिन सारी बातें एक ही जगह पर है, वो है कलीसिया में। अगर कलीसिया नहीं तो सारी बातें नहीं होंगी। 3000 लोगों का बपतिस्मा कहाँ हुआ? परमेश्वर की कलीसिया में। 120 लोग वहीं पर थे और वहीं पर उनका पश्चाताप हुआ, वहीं पर उनका बपतिस्मा हुआ, वहीं पर उनके पापों की क्षमा मिली और वहीं पर उन लोगों ने पवित्र आत्मा को पाया। मंडली का मतलब कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई घर नहीं है, मंडली का मतलब परमेश्वर के लोग, उद्धार के रास्ते पर चलने वाले लोग, ये मंडली है। मंडली वो नहीं है कि कोई घर है या तो चर्च है, उसको परमेश्वर मंडली नहीं बोलते। लक्ष्य जो है वो आपको सिर्फ परमेश्वर की कलीसिया के अंदर ही मिलेगा। अगर परमेश्वर का काम करना है तो मंडली की सहायता से ही होगा। सतावट होगी तो मंडली में रहोगे तो ही सतावट होगी, क्योंकि गलाती में ऐसा लिखा, गलातिया उसका 6वां अध्याय और उसका 17वां पद। आगे को कोई मुझे दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। पौलुस कहते हैं कि यीशु के दागों को, ये सही में दाग नहीं लेकिन निशान है, निशान की बात है। निशान मतलब जो मार खा खा कर उसके शरीर के ऊपर निशान बने हुए, सतावट के कारण जो निशान बने। अरे पौलुस ये काला काला क्या है? अरे यार मार खाया नहीं, यीशु मसीह के बारे में मंडली में था ना, मार खाना हुआ। परमेश्वर के निशान उस कलीसिया के अंदर ही मिलते हैं। मंडली से अलग कोई पवित्र आत्मा की बात नहीं है, मंडली से अलग कुछ भी नहीं है। मंडली और प्रभु यीशु मतलब सबसे करीबी रिश्ता है। मंडली मतलब समझो दुल्हन है और यीशु मसीह जो है वो है दुल्हा। और दुल्हा और दुल्हन शब्द कब बोला जाता है? आपकी शादी हो गई, जितने जितने के साथ ही होगी, अब आपको बोलता है कोई दुल्हन? अब कोई दुल्हन बोलता है? ये शादी के पहले की बात होती है, जब शादी तय हो गई तो लड़की को बोलेंगे तेरा दूल्हा कौन है? तो कभी शादी नहीं होती। जिसकी शादी होने वाली है वो क्या, वो उसको पूछेंगे तेरी दुल्हन कहाँ है? उसको
वहाँ पर ऐसा बोलेगी, कितना प्रेम दुल्हा और दुल्हन के बीच में, दोनों के बीच में बहुत ही जो प्रेम है वो प्रेम होता है। यीशु मसीह ने अपनी दुल्हन मतलब कलीसिया के लिए क्या किया, अपनी जान तक दे दी। प्रभु ने अपनी दुल्हन के लिए अपनी जान दे दी। और प्रेरितों के काम में लिखा है उसका 20वां अध्याय और उसका 28वां पद, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, परमेश्वर की कलीसिया हाँ की रखवाली करो हाँ, जिससे उसने अपने लहू से मोल लिया है। प्रभु यीशु ने अपनी जान देकर अपना लहू बहाकर उसे खरीद लिया। हालेलुया हालेलुया। दुल्हे ने जान देकर अपने दुल्हन को खरीद लिया। ये सबसे करीबी रिश्ता, सबसे ज़्यादा प्रेम दुल्हा और दुल्हन के बीच में, सभी लोग उसी में से पसार होकर आज पति पत्नी बने, लेकिन फिर भी दो दूल्हे हैं हमारे बीच में। उनसे मिल लेना मीटिंग के बाद और पूछ लेना, भाई साहब दुल्हन के बारे में कैसा है। सबसे ज़्यादा प्रेम दुल्हा और दुल्हन के अंदर, सबसे ज़्यादा प्रेम प्रभु यीशु कलीसिया का दुल्हा है और कलीसिया उनकी दुल्हन है। ये दोनों को एक दूसरे के सिवा उनको कुछ भी नहीं दिखाई देता। यीशु मसीह को अपने कलीसिया, जिन्होंने अपने कलीसिया के लिए जान दे दी, अब मैं बोलता हूँ जिसने अपनी जान दे दी वो कलीसिया के लिए कौन सी बातें बाकी रखेंगे। जिन्होंने जान दे दी अब ऐसी कौन सी चीज़ें जो परमेश्वर हमसे दूर रखेंगे, उनके कलीसिया के लिए कुछ भी बाकी नहीं रखेंगे। जो वचन आज हमने पढ़ा था न्यायों की किताब उसका 16वां अध्याय और 4थे पद से लेकर 8वें पद तक हमने पढ़ा, वहाँ पर समसुन की एक बात आती है। समसुन के माता पिता बांस से उनको औलाद नहीं हो रही थी, और तभी परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया और दर्शन देकर बोला कि तू गर्भवती होगी और तू से एक लड़का होगा जिसका नाम तू समसुन रखेगी, और समसुन जो है वो पवित्र आत्मा से चलेगा और पवित्र आत्मा के चलाए वो मेरा काम करेगा, इसराइल लोगों को वो गुलामी से वो छुड़ाएगा। और समसुन जो है वो पैदा हो गए, 13वें अध्याय में सारी बातें लिखी हुई। उसके बाद वहाँ पर लिखा हुआ है कि समसुन को जिस तरह से पवित्र आत्मा अगुवाई करते थे वैसे ही ये समसुन जो है उस तरह से वो चलते थे। चलते चलते ऐसा हो गया, परमेश्वर ने पहले से बोला था उसके बाल नहीं कटने चाहिए क्योंकि वो नाजरी कहलाएगा, और उस वक्त नाजरी का मतलब ये नहीं होता कि बाल बढ़ाना, नाजरी का मतलब होता है एक उनका एक व्रत आता था, एक मन्नत होती थी उसको मानना, और जितने लोग नाजरी मन्नत मानते थे वो लोग शादी नहीं करते थे जब तक ये मन्नत होती थी उनकी। कोई लोग कुछ महीने के लिए मन्नत रखते थे, कोई कुछ लोग कुछ साल के लिए, और कुछ लोग आजीवन मरते दम तक। यीशु मसीह नाजरी नहीं थे, क्योंकि जो नाजरी बनते थे उनको सबसे पहले बाल नहीं कटाना होता था और दाख की बनाए कोई आइटम नहीं खानी होती थी, दाख रस वो नहीं पी सकते थे, मुर्दे को हाथ नहीं लगा सकते थे, लेकिन यीशु मसीह ने सब कुछ किया था। वो नाजरी नहीं थे, नाजरी कहलाए क्योंकि नाजरत में बड़े हुए, जिस तरह से हम इंडिया में रहते हो इंडियन कहलाते हैं उसी तरह से हाँ वो नाजरी मन्नत वाले नहीं थे। लेकिन समसुन तो वही था, उसको शादी नहीं करनी थी, लेकिन उसने पहले ही रिश्ता बना लिया किसी फिलिस्तीनी लड़की के साथ। वहाँ से जैसे वैसे छूटा तो किसी वेश्या के पास चला गया, वहाँ से जैसे वैसे छूटा तो दलीला के पास चला गया। दलीला के पास जाने के बाद फिलिस्तीनी लोगों ने आकर दलीला को बोला, दलीला हम इतने पैसे दे देंगे, लेकिन तू एक काम कर, इसका बल कहाँ पर छुपा हुआ हमको बता दे बस। और दलीला ने उससे बात की, बोले समसुन तेरा सामर्थ्य किस में, तेरा बल किस में। तो उससे तीन बार तो ऐसी ऐसी बातें बना दी, मुझे इससे बांधो, मुझे उससे बांधो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन हर बार उसको बांधा गया, उसने ऐसे ही सब कुछ तोड़ दिया। चौथी बार
ये दलील आने उसको पूरी तरह से उकसाया हुआ, तू मुझे प्रेम नहीं करता, तू ऐसा है वैसा है, मुझे अपने दिल की बात नहीं बताता, मैंने तेरे सामने दिल खोल कर रखा है, मैं तुझे इतना प्रेम करती हूँ, ये सब बातें बताकर बहका कर उसको बोल दिया। अब बता दे, और फिर सुनने दिल खुल कर बता दिया कि अगर मेरे बाल अगर काट दिए जाए मेरे अंदर से सामर्थ्य चल जाएगी। बाल के अंदर सामर्थ्य नहीं होता, लेकिन परमेश्वर के अनाज्ञा करो परमेश्वर का सामर्थ्य चला जाएगा। और उसने उसको सुला कर उसके बाल जो है वो बाल उसके काट दिए, और बाल काटने के बाद उसकी सारी शक्ति चली गई, परमेश्वर उसके पास से चले गए। और फिर फिलिस्तीनी ने आकर उसको बांध दिया, उसको जेल में लेकर गए, उसकी आंखें फोड़ दी, वहाँ पर चक्की पीसने लगा। और फिर एक बार उन लोगों का कुछ त्यौहार था या कोई फंक्शन था, उसमें इसको बुला लिया, अंधे को समसुन को, और उसको बोले बुलाया तू डांस कर हमारे सामने, कुछ तमाशा कर। और समसुन ने ऐसा ही किया, और वहाँ पर आखिरी बार उसने अपने परमेश्वर से बल मांग कर वो घर जिस पिलर के ऊपर खड़ा था उस पिलर को पकड़ कर उसको पूरा गिरा दिया, पूरा घर गिर गया, और उसमें अंदर जितने भी फिलिस्तीनी थे वो सारे मर गए, साथ में खुद भी मर गया। ये समसुन की कहानी। लेकिन समसुन का आत्मा में गिरना कहाँ से शुरुआत हुई? एक लड़की से, एक दुल्हन से। प्रभु से की कलीसिया और प्रभु से की दुल्हन है, और मंडली को छोड़कर, प्रभु से की मंडली को छोड़कर बाहर जो आपके पास है वो शैतान की मंडली है, वो शैतान की दुल्हन है, और उसके साथ अगर संगति करोगे तो समझो वो आपको ख़त्म कर देगा। वो दुल्हन, वो नकली दुल्हन, क्योंकि शैतान, वो ध्यान समझना कि शैतान अगर आपके सामने आए तो मैं मानता हूँ यहाँ जितने भी लोग खड़े उसमें छोटे से छोटा बच्चा या बच्ची उस शैतान के वश में नहीं आ सकता है, यहाँ पर इकट्ठे हुए। लेकिन शैतान शैतान बनकर कहाँ आता है? वो डुप्लीकेट यीशु बनकर आता है। यीशु बनकर तो नहीं आ सकता, डुप्लीकेट यीशु बनकर आता है। शैतान बनकर कहाँ आता है? शैतान बनकर आता है सभी लोग भगा देते, लेकिन डुप्लीकेट बनकर आता है डुप्लीकेट यीशु, और सभी लोग उसकी गोद में बैठ जाते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है हाँ शैतान जो है वो डुप्लीकेट यीशु है। हम पढ़ते दूसरा कुरिन्थी उसका 11वां अध्याय वर्ष का 4वां पद, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु को प्रचार करे, किसको प्रचार करे? दूसरे यीशु को प्रचार करे। हालेलुया, दूसरे यीशु मतलब एक यीशु तो हमारे मसीहा है, दूसरे यीशु को प्रचार करे। कौन सा यीशु है? पढ़ो तो आगे, जिसका प्रचार हमने नहीं किया, जिसका प्रचार हमने नहीं किया। हालेलुया, देखो यहाँ पर एक यीशु और है डुप्लीकेट, हमारे यीशु मसीह नहीं, दुल्हा नहीं, ये अलग से है, ये अलग से, यही शैतान है। एक शैतान बनकर कहाँ आता है? दूसरा यीशु बनकर आता है, डुप्लीकेट यीशु बनकर वो तो आता है, दूसरा यीशु डुप्लीकेट यीशु। पौलुस बोलते हैं जिसको हमने प्रकट नहीं किया। हालेलुया, पौलुस से क्या बोला? दूसरा यीशु जिसको हमने प्रकट नहीं किया। हालेलुया, दूसरा यीशु पौलुस कहते हैं जिसको हमने प्रकट नहीं किया। क्या पौलुस से कभी बोला यीशु मसीह को मानो आपको बंगला मिल जाएगा, आपको गाड़ी मिल जाएगी, आप बहुत आशीषित हो जाएंगे, आपके लड़के की शादी हो जाएगी, आपकी लड़की की जॉब लग जाएगी? क्या कभी पौलुस ने, पत्रस ने या किसी भी चेले ने यह प्रचार किया? तो जहां जहां पर आप ये प्रचार सुन रहे हैं वो दूसरा यीशु। हालेलुया, वो कौन है? दूसरा यीशु, डुप्लीकेट यीशु है वो, वो डुप्लीकेट यीशु। अरे वो तो तुम्हारे पिता है, तुम्हारे सारे अधर्म को क्षमा कर देंगे, तो फिर नरक में डालने वाले यीशु कौन? क्या कभी बोला पत्रस ने, क्या कभी पौलुस ने बोला, क्या कभी यूहन्ना ने बोला पाप करते रहो वो पिता है तुमको माफी कर देंगे और स्वर्ग में ही ले लेंगे? तो जो ऐसा प्रचार करते हैं वो भी तो दलीला है,
वो भी तो दलीला है। और वहां पर डुप्लीकेट यीशु शैतान हाजिर है, लेकिन सिंग लगा कर आए, काला बन कर आए तो कोई भी वहां से भाग जाए, लेकिन पूरी तरह से आता है, लंबे बाल बना कर आता है, सफेद झोला पहनकर आता है और इंसान खुश हो जाता है। डुप्लीकेट यीशु, दूसरा यीशु जिसको हमने प्रकट नहीं किया। कौन बोलता है सुवार्ता है, कौन बोलते है सुसमाचार है, यह कुसमाचार है, यह कुवार्ता है, ऐसा कोई समाचार बाइबल में नहीं है। पौलुस तो कहता है अगर ऊपर स्वर्गदूत भी आकर ऐसी कोई बातें बोल देना, उसको भगा देना, वो श्रापित होने पाए। ये दूसरा यीशु है, डुप्लीकेट यीशु है, जो आपको गलत रास्ते के ऊपर लेकर जा रहा है, जो बंगले गाड़ी के बारे में, सोना चांदी के बारे में आपको गलत शिक्षा दे रहे हैं कि तुम परमेश्वर के बेटे हो। अरे हम परमेश्वर के बेटे हैं, कैसे पता चलेगा आप परमेश्वर के बेटे? चलो आप पिता पिता करोगे, इसका मतलब है कि बेटे बन गए। जिसको बेटा बनाते उसको परमेश्वर क्या कहते हैं? कोड़े मारेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, जब कोड़े खाओ तब बताना मैं यीशु मसीह का बेटा हूँ। बेटे का मतलब ये होता है जिसने कोड़ा खाया है, ये यीशु मसीह का बेटा है। ये तो बात बताते नहीं, लेकिन वहां पर दलीला हाजिर है, वहां पर दूसरा यीशु, डुप्लीकेट यीशु वहां पर हाजिर है। इसके लिए सब कुछ हो रहा है। और पहले कुरिन्थियों में लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसका 21वां पद, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। क्या लिखा है? अगर प्रभु यीशु का कटोरा है, मतलब जो प्याला दाखरस भरा हम पीते हैं, उसके साथ शैतान का कटोरा नहीं पी सकते। डुप्लीकेट है ना, उसने भी अपना कटोरा बना लिया। फिर आगे क्या लिखा है? तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साक्षी नहीं हो सकते। देखो, परमेश्वर की मेज है, हम रोटी तोड़ते हैं, उस तरह से डुप्लीकेट यीशु ने भी बना दिया है, उसने भी अपने मेज को बना दिया है। फिर बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 2वां अध्याय उसका 9वां पद, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रा को जानता हूँ, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है। शैतान की सभा, अगर परमेश्वर की सभा है तो शैतान की भी तो सभा है। देखो, वहाँ पर संगति होती है, वहाँ पर भी कटोरा होता है, वहाँ पर भी मेज होती है। हालेलुया। और पहला कुरिन्थियों 10:17 में क्या लिखा है? इसलिए कि एक ही रोटी है। नहीं, सही से पढ़ो उसको, पहले कुरिन्थियों हाँ 10:17। हाँ, इसलिए कि एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत है एक देह है। सही में ऐसा लिखा है, सही में ऐसा लिखा है। कितनी रोटी है? एक ही। सही में ऐसा लिखा है, एक रोटी। कहाँ? जहाँ ओरिजिनल यीशु। हालेलुया। और डुप्लीकेट यीशु के पास? दलीला के पास। बहुत स्पष्ट वचन है, बाइबल का वचन है। 50वां दिन आया ना, तब ये वाली कलीसिया बनी जिसमें ओरिजिनल यीशु है। जहाँ पर डुप्लीकेट यीशु ना, वो 50वें दिन नहीं बनी। उनको तो 300 साल हुए, 400 साल हुए, 4 दिन हुए, 1000 साल हुए। हालेलुया। लेकिन जहाँ पर ओरिजिनल यीशु, हालेलुया, जहाँ मेरे मसीह, जहाँ मेरे परमेश्वर, जहाँ उनकी मंडली, वो कहाँ पर शुरू हुई? 50वें दिन। उसके साथ अगर संगति नहीं, लेकिन दलीला के साथ संगति, फिर समसुन कितने भी छाती चौड़ कर कर बैठ जाए, कितने दुष्ट आत्मा लेकर आओ, एक बार तो भगाएगा, कोई बात नहीं। आज भगाओ, लेकिन एक बार भगाएगा। डुप्लीकेट इसी को लेकर आता है और उसी के इंसान को भगाता है। वो ध्यान से समझ लेना, दलीला हालात बिगाड़ देगी। डुप्लीकेट इशू
सामर्थ को खत्म कर देगा, वो आपको बर्बाद कर देगा। सात लटे सैमसन की काटी गई, मतलब संपूर्ण उसका सब कुछ वहाँ से छीन लिया गया। और फिर लोग बातें करेंगे, ये है ना, ये परमेश्वर का दास है, ये परमेश्वर का दास है। और क्या खाता है? साथ में मावा भी खाता है, बताया ना। अगर तमाशा करने लग गए ना, सैमसन तमाशा करने लग जाएगा, चाहे कितनी भी चौड़ी छाती हो वो चली जाएगी अगर दलीला के साथ अगर संगति है। दो दो दुल्हन है, एक प्रभु यीशु की, दूसरी दलीला शैतान की। हमारी संगति कौन सी दुल्हन के साथ है? जो 50 के दिन शुरू हुई उसके साथ, और जो दुल्हन होती है उसका एक लक्षण ये भी होता है कि वो अपने दूल्हे को पूर्ण रीति से जानती है। कभी शादी में ऐसा हुआ कि दुल्हन ने किसी से सवाल किया, यही दूल्हा के कोई और था? पता होता है उसको यही था, दूल्हे को पूरी तरह से जानती है। कभी किसी की दुल्हन को फोन कर कर बात करना, मैं ये बोल रहा हूँ, बोलेगे नहीं रॉन्ग नंबर, चाहे उसी के नंबर से फ़ोन कर देख लेना एक बार, बोलेगे नहीं तेरी आवाज़ वो नहीं है, आवाज़ से पहचान लेगी दुल्हन। जो 50वें दिन दुल्हन शुरू हुई, मंडली शुरू हुई, वो ओरिजिनल ईसु को जानती है, ओरिजिनल ईसु को पहचानती है। ये ओरिजिनल दुल्हन, उसकी भविष्यवाणी पुराने नियम में हो चुकी थी, निर्गमन 12 में सबसे पहले उसकी भविष्यवाणी हो चुकी थी। ये ऐसी वैसी चीज़ नहीं है मंडली। अगर आपका रिश्ता परमेश्वर की मंडली से नहीं होगा, कल उठकर भुगतना पड़ेगा। इससे अच्छा है परमेश्वर की कलीसिया में बने रहो। आप हमारे आँखों को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभुओं के प्रभु है, जो कभी नहीं बदलते। मेरे प्रियो, चाहे कड़वा लेकिन ये बाइबल की सच्चाई है। यीशु मसीह की दुल्हन 50वें दिन शुरू हुई, उसकी भविष्यवाणी निर्गमन 12 में हो चुकी थी, परमेश्वर ने पहले से बताया था। इसका मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मत समझो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया से अलग रहकर मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। अगर आप संपूर्ण होना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर की कलीसिया से संबंध रखना जरूरी है। परमेश्वर की कलीसिया में ही वो 5 लोग है। परमेश्वर की कलीसिया में आप सिद्ध हो सकते हो, परमेश्वर की कलीसिया में आपको लक्ष्य मिल सकता है। परमेश्वर की कलीसिया ऐसे कि आप चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आपको उसमें से बाहर निकाल सकती है कलीसिया। लेकिन अगर दलीला के साथ चले गए, वो बर्बाद कर देगी, वो डुप्लीकेट इसको आपको ख़त्म कर देगा। मेरे प्रियो, उसको जानो, उसको पहचानो, दलीला को जानो, दलीला है कौन, उस डुप्लीकेट इसको को पहचानो, उसको छोड़ो, वहाँ से भागो और यीशु मसीह की दुल्हन के साथ, कलीसिया के साथ बने रहो। तभी आप बचाए जाओगे, तभी आप सिद्ध हो जाओगे, तभी आप लक्ष्य पाओगे, तभी आप पवित्र आत्मा से भर कर परमेश्वर के पास जा पाओगे, नए यरूशलेम में जा पाओगे। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए। थैंक यू जीसस।